नहीं उतना ही है, पी जाओ उतना ही तो है, पी लो। एक गिलास जूस तो पी सकते हो ना, कुछ खाने को थोड़ी ना दे रही हूँ। तो वहाँ पे जाके क्या करवाते हैं टीचर? रनिंग, रनिंग और वार्म अप, वार्म अप। कितने टाइम रनिंग वार्म अप कितने टाइम करवाते हैं? 30 30 30 30 करवाते हैं? अच्छी बात है ना, फिट हो जाओगी तुम। ओके वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज है संडे, पीहू जो है चली गई है टेनिस क्लास के लिए और हस्बैंड जो है ऊपर जिम में गए हैं, तो अन्नी भी उनके साथ गई है। तो मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पे। तो मैं सोची अन्नी चली गई है, तब तक मैं बना लेती हूँ पनीर की सब्जी, पनीर और कैप्सिकम की सब्जी। तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर ली हूँ, लहसुन है, अदरक है और कैप्सिकम कट कर ली हूँ। यहाँ पे पनीर है, पनीर को जो है मैंने थोड़े से कर्ड में, इसको मीन्स दही में, इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके मैं छोड़ दी थी, तो आधे घंटे से मैरिनेट हो रखा हुआ है। तो बस मैं इसको फ्राई कर लूंगी, पहले प्याज लहसुन और अदरक को थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल करके फ्राई करूंगी, फिर इसको मैं ग्राइंड करूंगी। तो प्याज टमाटर लहसुन, तो अभी टमाटर मैं कट नहीं की हूँ, टमाटर कट कर लेती हूँ, फिर मैं प्याज लहसुन अदरक और टमाटर सबको हल्का सा फ्राई करूंगी, फिर मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। चलिए फिर करते हैं। तो देखिए पीहू भी आ गई है, मैं अभी सब्जी वगैरह बनाई भी नहीं थी, पीहू आ गई है। आई कार्ड रखो आप, और ये बेचारी धूप में आती है, सो देखते हो आप पूरा स्वेटिंग हो रखा है ना। चलो हैंड वॉश वगैरह कर लो अच्छे से, हैंड वॉश कर लो, फेस क्लीन कर लो। थोड़ा सा ये तेल डाली हूँ एंड इसमें मैं, तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, ये अदरक, प्याज, ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा, इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। बस जूस बनाई थी मैं मॉर्निंग में, तो पीहू को दे दी हूँ, अन्नी भी पी ली है और अभी मैं कुछ नहीं खाई हूँ, चाय पी थी बस। और हस्बैंड तो जिम गए, तो जिम से आएंगे तो ही अपना जूस वगैरह जूस पी लेंगे वो, तो उनके साथ मैं भी जूस पी लूंगी। और हस्बैंड का आज जो है, आज जो उनका ड्राइविंग क्लास है आज, तो उनको जाना है, तो वो जल्दी निकल लेंगे, 11 बजे तक निकल लेंगे। तो मैं इसलिए सब्जी बना रही हूँ, जो ये सब्जी और चपाती खा करके वो चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे वो लेट हो जाएगा, वो आते आते उनको 3 बज जाएंगे, 2 घंटे का क्लास होता है, तो वो चपाती और सब्जी खा कर चले जाएंगे। फिर आएंगे तो कुछ खाएंगे नहीं, वो राइस वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, कुछ और खाना होगा तो कुछ ऐसे हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, हमारा भी हो जाएगा ये। और बाद में देखूंगी तो बच्चों के लिए राइस और दाल बनाऊंगी, अगर वो खाएंगे तो राइस बनाऊंगी, दाल तो मैं रेगुलर बनाती हूँ, राइस बनाऊँ या ना बनाऊँ दाल मैं रेगुलर ही बनाती हूँ, तो वो तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अन्नी और पीहू को डेली जो है उनको दाल देती हूँ पीने के लिए, मूंग और मसूर की दाल बिना तड़का लगाए हुए, तड़का नहीं लगाती हूँ, नहीं तड़का लगा दूंगी तो फिर वो पियेंगे नहीं, तो सिंपल सा प्लेन दाल मैं उनको देती हूँ डेली उनको पीने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया है, तो बस इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ये ठंडा होने के बाद मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। इसी में थोड़ा सा तेल डाल करके मैं कैप्सिकम को भी हल्का फ्राई कर लूंगी। तो ये ठंडा हो गया तो मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ
एंड इसको विदाउट वाटर आपको पेस्ट बनाना है, इसमें बिल्कुल भी वाटर यूज नहीं करना है। तो ये देखिए ये स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। थे स्प्रिंग अनियन, मैं सोची यूज कर लूँ इसको, तो मैं यूज कर लूंगी। एंड इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता है, जीरा है, रेड चिली है, दो इलायची है ग्रीन वाली एंड एक बड़ी वाली इलायची है, एक ये है, तीन लौंग एंड ये दो दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, तेल डाल देती हूँ। यहाँ पे मसाले मैं यूज कर रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च, बस यही मसाले यूज करूंगी मैं। और मसाले से जब तेल जो है ना वो सेपरेट होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आपका मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। तो जब ये मसाला फ्राई हो गया था तो मैं इसमें ये पनीर जो है मिक्स कर दी थी, मुझे लगा सर मैं वीडियो ऑन करती हूँ बट भूल गई फिर से। तो बस अब इसको थोड़ा सा मैं मसाले के साथ मिक्स होने देती हूँ, फिर मैं कैप्सिकम डालूंगी इसमें। और दोनों बच्चों की फाइट हो रही है, रानी पीहू की फाइट होने लग गई है। मैं डाल दूंगी ये पनीर, ग्रेवी अगर आपको ज्यादा करना है तो इसमें आप पानी डाल करके इसको ढक के छोड़ देना, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए होगा। मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए तो मैं बस ऐसे ही पका लूंगी इसको। और पनीर की सब्जी बनाने में जो है ज्यादा टाइम लगता नहीं है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी गरम मसाला, बस इसको 2 मिनट ढक के छोड़ देती हूँ, उसके बाद में उतार दूंगी। और ये देखिए सब्जी जो है बन चुका है, पनीर कैप्सिकम की सब्जी है और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत जल्दी बन गया ये। तो अभी जस्ट अभी मैं भी चपाती और सब्जी खा ली हूँ। और मैं आज मॉर्निंग में ही नहा ली थी, जब मैं गई थी उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके मैं नहा ली थी। अभी चपाती और सब्जी मैं भी खा ली हूँ। ये देखिए पीयूक मैं भेजी थी अभी लवान कर्ड और मिल्क लेकर आने को, तो वहाँ से ये भी लेकर आ गई है, चिकन नगेट्स लेकर आई है। अब उसको चाहिए अभी ये, तो अभी इसको डीप फ्राई करना है, तो अभी इसको दे देती हूँ फ्राई करके। तो यही है इसमें चिकन नगेट्स, तो चलिए इसको डीप फ्राई करना है, तो मैं इसको फ्राई करके पीहू को दे देती हूँ। 2 ही पीस दूंगी अभी। तो बस तो अभी जो है राइस और दाल अन्नी और पीहू के लिए बना दी हूँ लंच के लिए। तो अभी मैं ऐसे ही कवर्ड वगैरह कुछ ठीक कर रही थी कवर्ड में, तो अभी मैं सोची थी थोड़ा सा रिंग निकाल करके पहनूं, तो ये रिंग है ये वाली समझ। तो
तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने हाथ में एक रिंग पहन के रखूँ, बट कुछ देर पहनती हूँ फिर मैं निकाल के रख देती हूँ। तो अभी मैं सोची हूँ कि देखती हूँ। और अभी मैंने नेल पेंट लगाए हैं अपने, निकल गए थे नेल पेंट्स, तो पहले भी यही लगा के रखी थी तो फिर मैं अभी भी यही लगा ली हूँ। तो ये पहनूंगी मैं अभी ये रिंग, और ये जो है मैं ओमान से ली थी। ये जो है हस्बैंड जो है एक हस्बैंड जो है ये 2 साल पहले जो है एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे। तो ये है, ये मेरा पहला जो है डायमंड रिंग, ये मेरा पहला है डायमंड रिंग। मैं बहुत मतलब मन था कि मेरे पास एक रिंग हो। मेरे को डायमंड का बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ मेरे पास ये होना चाहिए, होना चाहिए नेकलेस हो, ये हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को। बस हाँ एक था कि एक मेरे पास डायमंड का रिंग होना चाहिए, तो मैं ये ली थी, सिंपल सा है। और एक ये भी मैं निकाली हूँ पहनने के लिए, ये भी मैं कभी कभी पहनती हूँ, ये भी मैं ओमान से ली थी। ये गोल्ड का है और ये मालाबार गोल्ड से मैं ली थी, तो ये भी निकाली मैं पहनने के लिए। हाँ अभी अन्य इधर। और ये जो है मेरे को हस्बैंड ने हरितालिका तीज पे गिफ्ट किया था, जो हमारे में हरितालिका तीज होती है उसी में गिफ्ट मिला था ये मेरे को। ये भी मैं ओमान से ली थी, मालावार गोल्ड का है ये। और यहाँ जो है अन्नी जो अपने बालों में हेयर ऑयल लगा करके देखो चंपू बनी हुई है। तो क्या बोल रही है अन्ना, क्या बोल रही है बताओ। मेरे को ये चाहिए, इयररिंग्स भी चाहिए। क्या इयररिंग्स भी चाहिए? हाँ अच्छा, इसको इयररिंग्स भी चाहिए। चंपू क्यों बनी हुई है अन्ना? क्या चंपू क्यों बनी हुई है? ये खुद से जाकर के ऑयल लगा लेती है। कल इसको ऑयल लगाई, कल भी इसको लगाई थी, फिर शैम्पू करी थी, फिर आज जाकर के वो लगा लिए। तो अन्ना के पास भी एक करा है ना तुम्हारे पास? जो इसकी मम्मा जो मैं करूंगी वही इसको करना है। मैं नेल पेंट लगाऊंगी तो इसको भी लगाना है, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो ये भी करूंगी। हाँ। मम्मा का वॉश करूंगी और मेरे मम्मी का ड्रेस ड्रेस पे दोनों का टॉपी करूंगी, अच्छा डैडा का भी कॉपी करूंगी। अभी ये पहनी हुई देखी है तो ये बोले इसको भी, इसका भी जो है इसको भी पहनना है। तो ये इसका है हम लोग, तो मैं एक में पहनी हूँ तो ये भी एक में पहनेगी। और ज़्यादातर ये एक ही में पहनती है, दोनों में नहीं पहनती है ये, ज़्यादा पहनी नहीं, कभी कभी पहनी है। हाँ थोड़ा सा ही टाइट ही हुआ, तो ऐसे आराम से रखो। तो अब इसके लिए हम लोग दूसरा ले लेंगे ना, ठीक है? हाँ। तो अन्नी के लिए भी हमें दूसरा लेना है। ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसके लिए लेना है, अन्नी और पीहू दोनों के लिए लेंगे। ये इतने ऐसे दिखाओ। तो एक अन्नी के लिए और एक पीयू के लिए भी हमें लेना है। ब्रेसलेट लेंगे या फिर करा जो भी देखेंगे कुछ। इतने वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और हाँ सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय।